संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद शब्द हटाने को अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इतिहास को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि बच्चों को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। वहीं अलीगढ़ में फरीद के हत्यारों के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग गुनाहगारों का सपोर्ट करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ की घटना शर्मनाक है। वहीं सपा सांसद ने आगे कहा कि ये सांप्रदायिक नीतियों की वजह से बनी बीजेपी की सरकार बैसाखियों की सरकार है। सांसद जी, हाल ही में अभी जो एनसीईआरटी ने की पाठ्य पुस्तकों में बाबरी मस्जिद सबको हटाकर 3 गुंबद वाला किया गया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है कि जो हमारा इतिहास है कि जो उस टाइप की बात को ला कर करके उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो बाबरी मस्जिद का मसला था उस सबको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें जो एनसीईआरटी ने जो किया है, हम कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी अगर आप कोई शब्द कोर्स लेकर के आ रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए कि वो हमारी किस तरह से हमारा वो धार्मिक स्थल वहाँ पर हमारा था और उसको बाद में किस तरह से बदल कर दूसरा धार्मिक स्थल बनाया। अच्छा, एक आपने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाना बनाकर लौट रहे मोहम्मद फरीद नाम के व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है, तो ये मामले की घटना जो हुई है उसके लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इससे पिछली वाली सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस टाइप की घटना है एक आम बोल चली गई थी, उनका प्रचलन चल रहा था और फिर से सरकार बनने के बाद में ये घटना हुई है, तो इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस टाइप के लिए सबूत देना चाहिए अपनी कार्रवाई करके कि आने वाले समय के अंदर कोई इस टाइप का कदम नहीं उठा सके। लेकिन अफसोस है कि उनके जनप्रतिनिधि ही इसको उन हथियारों को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्थन में उतर रहे हैं। अब जब ऐसा होगा तो क्या कैसे लोकतंत्र चलेगा, किस तरह से कानून चलेगा? बल्कि मैं चाहता हूँ उनको सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी जिन लोगों ने हत्या की है उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमें लगेगा कि इस देश के अंदर इंसाफ हो रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों की वजह से ही इस समय ये सूरत हाल आज इस कगार पर आकर खड़ी हुई है कि सरकार उसको बेसाखियों पर बनानी पड़ी है और आने वाला समय इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि मुसलमानों के अलावा दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति अब इस चीज़ पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों को होनी चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। जो अलीगढ़ की घटना है बहुत शर्मनाक है और उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को शर्मसार होना पड़ता है इन सारी घटनाओं से, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन जिन जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होकर के और शायद सिर्फ 4 की अरेस्टिंग हुई, बाकी जो बचे हैं 11 लोग हैं टोटल, उनको सबको कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनमें मदद करने वाले उनके खिलाफ।